मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अपूर्णा। आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 9। तो कल सारा दिन मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाई, तो इसीलिए आज कोई भी ब्लॉग नहीं पोस्ट कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा आज मैं सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। और कल क्या हुआ था, मेरे सासू माँ का तबीयत बहुत खराब था, तो इसीलिए कल सुबह बड़े भैया सासू माँ को लेकर यहाँ पे हमारे यहाँ आ गए थे सुबह 6 बजे के करीब। तो उसके साथ ड्राइवर था और भी दो एक लोग था, तो इसीलिए इतने सारे लोग था घर में। ऊपर से सासू माँ का तबीयत ठीक नहीं था, तो इसी वजह से कुछ भी नहीं मैं बना पाई ब्लॉग। तो सुबह का ब्रेकफास्ट लंच इन सारे काम के चक्कर में, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके सब लोग सासू माँ को ले गए थे डॉक्टर के पास, तो इतने सारे कामों के बीच में मैं कुछ भी नहीं कर पाई, तो इसीलिए मैं आज सुबह से स्टार्ट कर दिया ब्लॉग। और बड़े भैया कल शाम को ही चले गए थे और सासू माँ अभी से हमारे साथ ही रहेगा यहाँ पे, तो वो अभी हैं उस रूम में सो रहा है। सासू माँ का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ठीक तरह से उठ के बैठ भी नहीं पा रहा है। तो यही, तो आज यहाँ पे है इलेक्शन, तो अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, तो ये सारा कुछ करके हम लोग जाएंगे, मैं और मेरा हस्बैंड जाएंगे वोट डालने के लिए। तो चलिए फिलहाल मैं किचन में चलती हूँ, किचन में जाके फटाफट ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद लंच बना लेती हूँ और उसके बाद इन सारे काम को फिनिश करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। ब्रेकफास्ट बना के ब्रेकफास्ट खा के मैं आ गई हूँ, एकदम शावर लेकर पूजा करके किचन में आ गई हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी परवल और आलू की सब्जी और उसमें मैं प्रॉन फ्राई करके दे दूंगी, और उसके साथ मैंने दाल पूरी साग परवल फ्राई ये सारा कुछ बनाया और राइस भी मैंने बना लिया। तो अब सिर्फ मैं बनाऊंगी परवल की सब्जी। और गर्मी बहुत है यार, अभी टाइम हो रहा है 3:30 या 4:45 ऐसा। तो हम लोग लंच करके गए थे और जस्ट आके मैं चेंज कर लिया क्योंकि बहुत गर्मी है यार, इतना गर्मी है कि मैं क्या बोलूं। और वहाँ पे ज्यादा लाइन भी नहीं था, मतलब लेडीज में तो बिल्कुल ही लाइन नहीं था, जेंट्स में थोड़ा बहुत लाइन था, तो इसलिए हस्बैंड के लिए थोड़ा मैंने वेट किया और मेरा बहुत पहले ही हो गया था। तो यही, तो हम लोग आ गए हैं वोट डाल के। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूंगी और आप लोगों से मिलूंगी एकदम शाम में। और प्रियांशु अभी तक नहीं सोया है, टेना एंड प्रियांशु को मैं रख के गई थी घर में, तो प्रियांशु अभी तक नहीं सोया है, तो प्रियांशु को मैं अब सुला दूंगी। तो चलिए मैं एकदम मिलती हूँ आप लोगों से शाम में, बाय बाय। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत टाइम बाद, मतलब
दोपहर के बाद एकदम मैं आप लोग से मिल रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है रात का 8:30। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में और डिनर बनाऊंगी। यही तो काम है रात में, तो यही सबसे बड़ा काम होता है, तो यही काम मैं करने के लिए जाऊंगी। और आज दोपहर के बाद से थोड़ा सा बारिश भी हुआ था, तो वेदर थोड़ा अच्छा भी है और कभी कभी गर्मी भी बहुत लग रहा है, तो ऐसा ही चल रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सामने वाले बेलकोनी में बैठी हुई थी। यहाँ पे बहुत अच्छा हवा आ रहा है, तो यहीं तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में। तो सबसे बड़ा जो मेरा काम है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, तो चलिए चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और आज बहुत दिनों बाद मैं बनाऊंगी रोटी। तो क्योंकि आज संडे है तो जहाँ से हम लोग रोटी लेते हैं वो आज रोटी नहीं बनाएगा, तो इसलिए बनाऊंगी रोटी और कुछ भी नहीं, क्योंकि दोपहर का सब्जी है सब कुछ है, तो सिर्फ रोटी बनाऊंगी। और पर हवा आ रहा है पीछे से खिड़की से, लेकिन मैं जब रोटी बनाऊंगी जब गैस ऑन करूंगी तब तो खिड़की बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि हवा से वरना गैस बंद हो जाता है। इसलिए तो चलिए फटाफट मैं पहले रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि इतना गर्मी है, गर्मी में ज्यादा देर तक किचन में रहना बहुत मुश्किल है। क्यों अच्छे प्रियांशु का रोना स्टार्ट हो गया। प्रियांशु से हेलो हेलो करेगा के पेचन तक है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ इतना गर्मी है कि किचन में ज्यादा देर तक रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं फटाफट रोटी बना के किचन से बाहर जाऊंगी। और उसके बाद और भी काम है, क्योंकि कल सैटरडे था तो सारा सब्जी फ्रूट्स जो भी बाजार था हस्बैंड ने करके लेकर आया है, तो आज मैं सारा सब्जी को क्लीन करके मैं थोड़ा सा बाहर बेलकुनी में रख दिया हूँ हवा में। और मैं जिस तरह से क्लीन करती हूँ वेजिटेबल और फ्रूट्स को उसी तरह से क्लीन करके रख दिया हूँ, तो उसे अब स्टोर करना है मुझे फ्रिज में और कल के लिए कुछ कट करके रखना है। Thank you.
बड़ा जो काम है वो काम मेरा कंप्लीट। मैंने डिनर बना लिया और सिर्फ दूध में बॉईल करूंगी, अभी तक मेल्ट नहीं हुआ, आइस है ये तो पानी में मैंने रख दिया। तो अब मैं जाऊंगी, मेरा और कुछ काम पेंडिंग है क्योंकि मैंने पहले बोला मेरा आज कल सैटरडे था, तो हस्बैंड सारा वेजिटेबल फ्रूट्स लेकर आ गया है, तो उसे मैं आज सुबह ही क्लीन करके मैं बाहर बेलकोनी में रख दिया, पर उसे अब मैं स्टोर करूंगी, अच्छी तरह से स्टोर करके फ्रिज में रखना है। तो चलिए वो काम कर लेती हूँ। बेलकोनी में यहाँ पे हवा आ रहा है तो थोड़ी देर यहाँ पे मैं बैठी हूँ और इस ब्लॉग को भी अभी एंड करूँगी क्योंकि सुबह से ही मैंने स्टार्ट कर दिया और अभी टाइम हो गया है 9:30। थोड़ी देर बाद करेंगे हम लोग डिनर, तो यही तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए और मेरे ब्लॉग के साथ रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करेंगे, उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय एंड गुड नाइट।